2024 का सियासी घमासान, केजरीवाल के हाथ में कमान। मोदी को टक्कर देंगे केजरीवाल, बीजेपी को करेंगे बेहाल। अरविंद केजरीवाल होंगे विपक्ष के पीएम पद का चेहरा। दिलचस्प होगा संग्राम, हर जुबान पर केजरीवाल का नाम। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में सबसे बड़े चुनावी संग्राम की रणभूमि तैयार हो रही है। वैसे तो कई सियासी सूरमा मैदान में हैं, लेकिन सबसे बड़े सियासी योद्धा नरेंद्र मोदी से टकराने के लिए विपक्ष के सेनापति के तौर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल का नाम सबसे आगे चल रहा है। क्योंकि मौजूदा सियासी हालातों को देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल के बीच सीधा मुकाबला दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ सबसे ज्यादा मुखर अरविंद केजरीवाल ही दिखाई दे रहे हैं। 11 जून को दिल्ली के रामलीला मैदान में हुई आम आदमी पार्टी की महारैली ने इस दावे को और भी ज्यादा पुख्ता कर दिया है। केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ की गई आम आदमी पार्टी की महारैली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर चुन चुन कर निशाने साधे हैं। अब लोग प्रधानमंत्री जी से पूछने लगे कि केजरीवाल ने इतना काम कर दिया, आपका काम कहाँ है? तो अब मोदी जी ने तय किया, मैं केजरीवाल को काम नहीं करने दूंगा। उन्होंने मनीष सिसोदिया को उठा के जेल में डाल दिया। उनको लगा मनीष सिसोदिया को जेल में डालने से शिक्षा के काम रुक जाएंगे। उन्होंने सतिंदर जैन को उठा के जेल में डाल दिया। उनको लगा सतिंदर जैन को जेल में डालने से मोहल्ला क्लिनिक बंद हो जाएंगे, अस्पताल बंद हो जाएंगे। मैं प्रधानमंत्री जी को बोलना चाहता हूं, हमारे पास एक मनीष सिसोदिया नहीं है, हमारे पास 100 मनीष सिसोदिया हैं। हमारे पास एक सतिंदर जैन नहीं है, हमारे पास 100 सतिंदर जैन हैं। आप एक को जेल में डालोगे, हमारा दूसरा आ जाएगा काम करने के लिए, काम नहीं रुकेगा दोस्त। जब इनको जेल में डालने से काम नहीं चला तो अब ये ऑर्डिनेंस लेके आए हैं और ऑर्डिनेंस से ये सारा काम रोकना चाहते हैं दोस्तों। महारैली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नरेंद्र मोदी के 21 साल और अपने 8 सालों के कार्यकाल की तुलना करके भी संदेश साफ दे दिया है कि 2024 की सियासी लड़ाई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से टकराने के लिए केजरीवाल विपक्ष के सबसे बड़े योद्धा साबित होने जा रहे हैं। 2024 के सियासी संग्राम में विपक्ष की कमान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के हाथों में ही नजर आ रही है। विपक्षी एकता के मामले में खुद को विपक्ष का मुखिया होने का दावा करने वाली कांग्रेस पार्टी और उसके सूरमा राहुल गांधी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मुकाबले काफी पीछे दिखाई दे रहे हैं। बयानी वॉर में भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कांग्रेस पर भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। 2002 में प्रधानमंत्री जी गुजरात के मुख्यमंत्री बने, 12 साल गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, पिछले 9 साल से देश के प्रधानमंत्री हैं। 21 साल हो गए मोदी जी को राज करते करते, 21 साल। 2015 में मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री बना, मेरे को 8 साल हो गए दिल्ली पे राज करते करते। आज मैं चैलेंज करता हूं और देश की जनता को अपील करता हूं, मोदी जी के 21 साल मेरे 8 साल, दोनों के देख लो किसने ज्यादा काम किया। केजरीवाल ने ज्यादा काम करा, केजरीवाल ने 8 साल में ज्यादा काम करा कि मोदी जी ने 21 साल में ज्यादा काम करा? अरे इनसे काम तो होता नहीं है, देश के अंदर जो अच्छा काम करता है उसको रोकने की कोशिश करते हैं। मतलब मैं सोच नहीं सकता कि कोई भी पार्टी इस अध्यादेश के पक्ष में कैसे वोट कर सकती है। और ये मैं जैसे मैंने कहा, मेरी लड़ाई नहीं है, पूरा देश देख रहा है, पूरा देश देखेगा। तो कांग्रेस को ये तय करना है कि वो जनतंत्र के साथ है, संविधान के साथ है, देश के 140 करोड़ लोगों के साथ है या मोदी जी के साथ है। विपक्षी कुनबे की एकता के मिशन में सबसे आगे अरविंद केजरीवाल ही चल रहे हैं। केंद्र सरकार के अध्यादेश को राज्यसभा में पटखनी देने के लिए उन्होंने तकरीबन सारे विपक्षी दलों को एक मंच पर एक साथ ला खड़ा किया है। अध्यादेश के खिलाफ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब तक 10 बड़ी पार्टियों का समर्थन हासिल कर चुके हैं। पिछले दिनों उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन से मिले, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मुलाकात की, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का समर्थन हासिल किया,
बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से मिले। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उन्हें समर्थन दिया। सपा मुखिया और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मुलाकात की। एनसीपी प्रमुख शरद पवार का समर्थन मिला। माकपा महासचिव सीताराम येचुरी से मुलाकात और तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव का समर्थन हासिल किया। पिछले साल हुए एक सर्वे में भी ये बात सामने आई थी कि पीएम मोदी को चुनौती देने के लिए विपक्ष के योद्धा के रूप में केजरीवाल सबसे ज्यादा ताकतवर नेता हैं। 48% लोगों ने माना था कि अरविंद केजरीवाल पीएम मोदी के मजबूत प्रतिद्वंदी साबित हो सकते हैं।